हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम ईच और एवरी के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हम ईच का प्रयोग दो या दो से ज़्यादा लोगों या वस्तुओं के लिए करते हैं तो ईच का प्रयोग हम टू और मोर पर्सनस और थिंग्स के लिए करते हैं सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है ठीक है जहां तक एवरी का सवाल है तो एवरी का सवाल एवरी का जो प्रयोग है वो हम हमेशा मोर देन मोर देन टू परसन और थिंग्स के लिए करते हैं ठीक है हम ईज का प्रयोग दो या दो से ज्यादा दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए हम ईज़ का प्रयोग करते हैं और एवरी का प्रयोग हमेशा दो से ज़्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये क्रिएट होता है कि देखिए ईज़ का प्रयोग हम दो के लिए भी कर सकते हैं और मोर देन टू के लिए भी कर सकते हैं और एवरी का प्रयोग जो है वो मोर देन टू के लिए किया जाता है तो एक हिसाब से मोर देन टू के लिए हम ईज़ का प्रयोग भी कर सकते हैं और एवरी का प्रयोग भी कर सकते हैं और यही यहाँ पे जो है ना कन्फ्यूजन क्रिएट करता है हमारे अंदर कि भाई अगर हमें मोर देन टू के बारे में बताना है मतलब मोर देन टू पर्सन या मोर देन टू थिंग्स के बारे में अगर बताना है तो हम किस का प्रयोग करें ईच का प्रयोग करें या एवरी का प्रयोग करें तो खैर इस डिफ्रेंस को हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे सबसे पहले हम ईच और एवरी के बारे में जो बेसिक बातें हैं वो जानेंगे और सबसे पहले हम लेते हैं ईच को तो देखिए ईच एक डिटर्मिनर होता है और इसके बाद हम किसी नाउन का प्रयोग कर सकते हैं तो जब भी हम ईज के बाद किसी नाउन का प्रयोग करेंगे तो ये जो नाउन है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन ठीक है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि ईज के बाद अगर किसी नाउन का प्रयोग किया गया है तो वह है नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है और ऐसे में ईच क्या बन जाएगा ईच एक डिटर्मिनर बन जाएगा तो ईच यहाँ पे जब हम ईच को किसी नाउन से पहले प्रयोग करेंगे तो ईच वहाँ पे एक डिटर्मिनर होगा तो ऐसे में हम जो ए, जो ईच है इसको हम क्या कहेंगे डिटर्मिनर दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि ईच के बाद हम कभी भी अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं और दूसरा प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे ठीक है ईज के बाद जो ये नाउन यूज़ करेंगे हम ये नाउन जो है वो कभी भी कैसा नहीं होगा प्लूरल नहीं होगा प्लूरल नहीं होगा और दूसरा ये अनकाउंटेबल नहीं होगा अनकाउंटेबल तो ये अनकाउंटेबल भी नहीं होगा जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जैसे मैंने लिखा ईच स्टूडेंट ठीक है ईच स्टूडेंट तो ईच स्टूडेंट सही है ठीक है क्योंकि इसके बाद ये जो नाउन है स्टूडेंट ये सिंगुलर है अगर मैं लिखता हूं ईच स्टूडेंट्स ईच स्टूडेंट्स तो ये गलत हो गया ठीक है क्योंकि ईच के बाद मैं प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं लिख सकता तो यहां पर स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल है इसलिए ये गलत हो गया मैं ऐसे नहीं लिख सकता इसके अलावा अगर मैं लिखता हूं ईच मिल्क तो ये भी गलत हो गया ठीक है क्योंकि यहाँ पे ईज़ के बाद ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया तो मैं ईज के बाद अगर कोई नाउन यूज़ करूँगा तो वो नाउन कैसा हो सकता है वो काउंटेबल नाउन हो सकता है तो मैं लिख सकता हूँ ईच स्टूडेंट मैं लिख सकता हूँ ईच बुक मैं लिख सकता हूँ ईच पेन ठीक है ईच चेयर तो ये ऐसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ईच के बाद मैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन यहाँ पे लिख सकता हूँ नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ईच वाक्य के सब्जेक्ट का अगर पार्ट होता है ठीक है ईच अगर वाक्य के सब्जेक्ट का पार्ट होता है तो उस वाक्य में जो वर्ब होती है वो सिंगुलर वर्ब होती है जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा ईच बुक इज यूजफुल ठीक है ईच बुक इज यूजफुल तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो ईच है ईच बुक ये इस सेंटेंस का क्या है सब्जेक्ट है तो यहाँ पे मैंने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है यहाँ पर मैं प्लुरल वर्ब यूज़ नहीं कर सकता ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ईच प्लस नाउन अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है उसके बाद है ईच के बाद हम ऑफ का यूज भी कर सकते हैं ईच के बाद हम ऑफ भी लगा सकते हैं और ईच के बाद जब हम ऑफ लगाएंगे तो Uh, इसके बाद हम नाउन भी यूज़ कर सकते हैं और प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है नाउन भी यूज़ कर सकते हैं प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं और जब हम ईच के बाद ऑफ लगाकर इस तरह से नाउन या प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो ये जो ईच है ये बन जाता है यहाँ पे प्रोनाउन ठीक है ये यहाँ पे क्या बन जाएगा प्रोनाउन बन जाएगा तो इस तरह से अगर हम ईच के बाद ऑफ लगाकर कोई नाउन यूज़ करेंगे तो ये नाउन जो है ये हमेशा प्लूरल होना चाहिए प्लूरल और अगर ये प्रोनाउन हम यूज करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होना चाहिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ठीक है ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ठीक है जैसे मैंने लिखा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स तो यहाँ पे देखिए मैंने ईच लिखा ईच के बाद ऑफ लिखा ऑफ के बाद में ये नाउन लिखा तो ये मेरा नाउन कैसा हो गया प्लूरल तो ये ध्यान रखना है कि अगर हम ईच के बाद ईच के तुरंत बाद अगर हम नाउन यूज करते हैं तो ये नाउन कैसा होता है ये नाउन होता है सिंगुलर लेकिन अगर हम ईच के बाद ऑफ लगा के फिर नाउन लिखते हैं तो ये नाउन कैसा होता है प्लूरल उसके बाद अगर हम ईच ई ईच ऑफ के बाद अगर प्रोनाउन लिखते हैं तो वो कैसे लिखेंगे ईच ऑफ them, ठीक है तो ईच ऑफ them लिखा मैंने तो देखिए ये जो प्रोनाउन है देम ये पहली बात तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है ठीक है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है दूसरा ये प्लूरल नंबर है तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ईच के बाद आप ऑफ यूज कर सकते हैं लेकिन जब ईच के बाद आप ऑफ यूज करेंगे तो वहाँ पर जो नाउन होगा ईच ऑफ़ के बाद आप नाउन भी यूज कर सकते हैं प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं तो अगर नाउन यूज करेंगे तो वो नाउन प्लूरल होगा और अगर प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो प्रोनाउन भी प्लूरल होगा लेकिन वो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा ठीक है हम सब्जेक्ट प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम ईच ऑफ़ के बाद ईच ऑफ़ के बाद अगर हम नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं ठीक है और अगर ये सब्जेक्ट है अगर ये सब्जेक्ट है किसी सेंटेंस का ये पार्ट तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब होगी सिंगुलर ठीक है जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा ईच ऑफ देम इज ऑनेस्ट ठीक है या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज ऑनेस्ट तो हमने यहाँ पे देखा कि ईच के बाद मैंने ऑफ़ यूज़ किया और ऑफ के बाद देखिए ये प्रोनाउन यूज किया तो ये प्लूरल प्रोनाउन uh, uh, है यहाँ पे प्लूरल नंबर में है और ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और ये इस सेंटेंस का क्या है सब्जेक्ट है ठीक है तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो देखिए सिंगुलर वर्ब है ऐसा ही यहाँ पे देखिए ईच ऑफ ईच ऑफ़ के बाद में मैंने नाउन यूज़ किया तो ये यहाँ पे जो नाउन है ये प्लूरल नंबर में है तो ईच ऑफ़ के बाद हम जो नाउन यूज़ करते हैं प्लूरल नंबर में होता है और ये जो ईच प्लस ईच ऑफ़ के बाद जो नाउन नाउन यूज़ करेंगे अगर ये सब्जेक्ट हो तो यहाँ पर भी देखिए हमने सिंगलोर रोड का यूज़ किया है तो इस तरह से ईच ऑफ़ प्लस नाउन या प्रो अगर सब्जेक्ट है किसी सेंटेंस में तो इनके बाद हम uh, जो है सिंग्लोर रोट का प्रयोग करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि uh, जो ईच है ईच के बाद आप ऑफ यूज़ करेंगे ऑफ़ के बाद आप नाउन यूज कर सकते हैं और प्रोनाउन यूज कर सकते हैं ठीक है आप ऐसे यूज कर सकते हैं तो ये जो फ्रेज बनी है हमारी ईच ऑफ़ प्लस नाउन या प्रोनाउन ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है और ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है मतलब ये जो फ्रेज बनेगी ईच ऑफ़ प्लस नाउन या प्रोनाउन इसको हम सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा I invited, मैंने सेंटेंस लिखा आई invited, आई invited ईच ऑफ my फ्रेंड्स आई इन्वाइटेड ईच ऑफ my फ्रेंड्स एक और एग्जांपल मैंने लिखा ईच ऑफ माई फ्रेंड्स बिलोंग्स to a middle class family to a middle class family ठीक है तो ये मैंने एक सेंटेंस लिखा ईच ऑफ माई फ्रेंड्स बिलोंग्स टू ए मिडिल क्लास फैमिली तो यहाँ पर देखिए पहले सेंटेंस में मैंने लिखा आई इन्वाइटेड ईच ऑफ माई फ्रेंड्स तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ईच ऑफ माई फ्रेंड्स ये मतलब ईच ऑफ ईच ऑफ के बाद ये नाउन है तो ये जो पार्ट है यहाँ पर ये मेरे सेंटेंस का यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर देखिए ईच ऑफ माय फ्रेंड्स ये यहाँ पे बिलोंग ये हमारी वर्ब है तो ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है तो इस तरह से हम जो ये ईच ऑफ प्लस नाउन या प्रोनाउन जो भी है वो हम सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बना सकते हैं और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं नेक्स्ट डे मान लीजिए हमने ईज यूज़ किया और ईज के बाद हमने कोई नाउन यूज किया या हमने ईज ऑफ के बाद कोई नाउन यूज किया या प्रोनाउन यूज किया ठीक है अब ये चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि ईच के बाद हम सीधा नाउन यूज कर सकते हैं ठीक है और ईच के बाद अगर हम प्रोनाउन यूज करना चाहते हैं तो हमें फिर बीच में ऑफ रखना पड़ेगा ठीक है और हम अगर नाउन रखना चाहते हैं तो नाउन तो हम सीधा ईच के बाद भी रख सकते हैं और ईच के बाद ऑफ लगा कर भी हम नाउन यूज़ कर सकते हैं बस फर्क ये है कि ईच के बाद हम सीधा नाउन लिखेंगे तो ये नाउन होगा सिंगुलर और अगर ईच ऑफ के बाद नाउन लिखेंगे तो ये नाउन होगा प्लूरल ठीक है उसके बाद अगर हमें ईच के बाद प्रो नाउन यूज़ करना है तो फिर हमें ऑफ का प्रयोग करना ही करना होगा ठीक है हम ऐसे नहीं लिख सकते कि भाई ईज़ के बाद हम जो है सीधा प्रोनाउन लिख दें अगर हम ईज़ के बाद सीधा प्रोनाउन लिख देते हैं तो फिर वो गलत हो जाएगा ठीक है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ईज़ के बाद हम सीधा नाउन यूज़ कर सकते हैं ईज़ के बाद सीधा नाउन यूज़ करेंगे तो वो नाउन सिंगुलर होगा और ईज के बाद हम जो है प्रोनाउन यूज़ करना चाहते हैं तो फिर हमें ईज़ के बाद ऑफ रखना पड़ेगा लेकिन हम हिज के बाद ऑफ़ रख के भी नाउन यूज़ कर सकते हैं लेकिन ईच ऑफ के बाद अगर हम नाउन रखेंगे तो वो नाउन फिर प्लूरल हमें लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि अगर हम ऐसे यूज करते हैं तो एक स्ट्रक्चर तो हमारा ये है और दूसरा स्ट्रक्चर ये है तो अगर हम ऐसे यूज करते हैं ईच प्लस नाउन या ईच ऑफ प्लस नाउन या प्रोनाउन और इसके लिए अगर हमें सेंटेंस में कहीं बाद में प्रोनाउन यूज करना पड़ जाए ठीक है प्रोनाउन तो ये जो प्रोनाउन होगा ना ये प्रोनाउन सिंगुलर होता है ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं जैसे मैंने लिखा ईच स्टूडेंट ईच स्टूडेंट रिसीव्ड व्हाट ही डिजर्व्ड ठीक है ये सेंटेंस मैंने लिखा मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा ईच ऑफ देम रिसीव्ड व्हाट ही डिजर्व्ड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो ही का प्रयोग हमने यहाँ किया है एक तो यहां और एक यहां ये दोनों ही जो ही है वो यहां जैसे ये ही है यहां पर हमने जो ही यूज किया है ये इसको रेफ़र करने के लिए हमने यूज़ किया है यहाँ पर और ये जो ही हमने यूज़ किया सेकेंड सेंटेंस में इसको हमने ये ईच ऑफ देम इसको रेफ़र करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो प्रोनाउन यूज़ किया हमने ही ये पहले सेंटेंस में तो इसको रेफ़र कर रहा है तो हमने इसके लिए ईच स्टूडेंट के लिए जो प्रोनाउन लिखा देखिए वो हमने सिंगुलर लिखा है ठीक है यहाँ पर हम दे uh, यूज नहीं कर सकते हैं दूसरा यहाँ पे देखिए ईच ऑफ़ दैम हमने लिखा ईच ऑफ़ दैम को आगे ईच ऑफ़ दैम के लिए हमने आगे चल के एक प्रोनाउन यूज़ किया तो ये प्रोनाउन देखिए सिंगुलर है ठीक है तो जब भी हम ईच प्लस नाउन या ईच ऑफ प्लस नाउन या प्रोनाउन के लिए आगे चल के कोई प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो फॉर्मल वे में हम सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हैं तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर हमने किसी सेंटेंस में ईच का प्रयोग किया और ईच का प्रयोग हमने अगर ऑब्जेक्ट के बाद किया ठीक है मान लीजिए हमने कोई सेंटेंस लिखा सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखा उसके बाद वर्ब लिखी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा मान लीजिए ठीक है तो ऑब्जेक्ट के बाद आप ईज का प्रयोग कर सकते हैं ईज का प्रयोग आप कर सकते हैं अब ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो ठीक है हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट्स के बाद जो है हम ईच का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन ईच को हम सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग नहीं कर सकते हैं ठीक है इस चीज को आपको ध्यान रखना है जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा पीपल प्रेज पीपल प्रेज दैम ईच फॉर देयर ब्रेवरी ईच फॉर देयर ब्रेवरी एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा आई वॉन्ट देम ईच टू टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन ठीक है ये दो सेंटेंस मैंने लिखे तो यहां इन दोनों ही सेंटेंसेस में आप देख पा रहे होंगे ये स, पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है ये वर्ब है ये ऑब्जेक्ट है ठीक है इसी प्रकार यहाँ ये सब्जेक्ट है वॉन्ट वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ पे देखिए यहाँ ईच लिख रखा है यहाँ पे ईच लिख रखा है लेकिन ये सेंटेंस के लास्ट में नहीं है ठीक है सेंटेंस के लास्ट में हमने इनको यहाँ पे प्रयोग नहीं किया है लेकिन ईच का प्रयोग अगर हम किसी अमाउंट या क्वांटिटी को रेफर करने के लिए करते हैं ठीक है ध्यान दीजिए अगर हम ईज़ का प्रयोग जो है अगर हम ईज़ का प्रयोग किसी अमाउंट ठीक है किसी अमाउंट या किसी क्वांटिटी किसी क्वांटिटी को रेफर करने के लिए करते हैं अगर हम अमाउंट या किसी क्वांटिटी के संदर्भ में ईज़ का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग हो सकता है जैसे यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा दीज पेन्स cost rupees cost rupees ट्वेंटी each ठीक है तो यहां पर मैं पेन का अमाउंट बता रहा हूं तो ऐसे में देखिए मैंने ईच को लास्ट में प्रयोग कर दिया तो आप यहां पर जो है ईच का प्रयोग कर सकते हैं सेंटेंस के लास्ट में तो वैसे तो आप ईच का प्रयोग जो है अगर आप जो है ऑब्जेक्ट के बाद अगर आप ईज का प्रयोग करते हैं तो आप ईज़ का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में नहीं कर सकते जैसे हमने यहाँ इन दोनों एग्जांपल्स में देखा लेकिन अगर आप ईज़ का प्रयोग जो है किसी अमाउंट या क्वांटिटी को रेफ़र करने के लिए करते हैं तो फिर हम ईज़ का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में कर पाएंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अगर हमने सेंटेंस में ईज का प्रयोग किया और उस ईज का प्रयोग उस सेंटेंस में सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए किया गया है ठीक है सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए वहाँ पर हमने ईज का प्रयोग किया है तो ऐसे में ईज को वाक्य के मिड पोजीशन पर प्रयोग किया जाता है ठीक है हम ईच को ऐसे में कहाँ पर यूज़ करेंगे वाक्य के मिड पोजीशन पे। अब देखिए मिड पोजीशन कहाँ होती है सेंटेंस की इसके लिए मैंने एडवर्ब वाले वीडियो में डिटेल से समझा रखा है हालाँकि मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे बता देता हूँ कि सेंटेंस की मिड पोजीशन क्या होती है तो जैसे तीन प्रकार के हमारे पास जो है कंडीशन हो सकती हैं सेंटेंस की वो क्या क्या हो सकती हैं देखिए या तो हम सब्जेक्ट लिखें सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का प्रयोग करें सीधा तो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म तो ऐसा कब होता है ऐसा होता है प्रेजेंट इंडफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट टेंसेज में अफर्मेटिव सेंटेंसेस ठीक है जो प्रेजेंट इंडेफिनेट या पास्ट इंडेफिनेट के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो एक तो हमारे पास सेंटेंस की सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये हो सकता है दूसरा जो है सब्जेक्ट हो सकता है सब्जेक्ट के बाद जो है हेल्पिंग हो वर्ब, वर्ब होती है ठीक है एक ये होता है और ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल वर्ड होती है ध्यान रखिए सिंगल वर्ड ठीक है सिंगल वर्ड हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यहाँ होती है तीसरी कंडीशन हो सकती है सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगी और उसके बाद मेन वर्ब होगी लेकिन ये जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है ये मोर देन वन वर्ड होगी मोर देन वन वर्ड ठीक है जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे हैज बीन हैज बीन और जो वर्ब है वो लिख देता हूँ मैं वर्किंग ठीक है ऐसे मैंने लिख दिया तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब वो हमारे पास देखिए एक शब्द ही हो गया एक शब्द ही हो गया ठीक है ये हमारे पास मेन वर्ब हो गई और एक फोर्थ कंडीशन भी होती है फोर्थ कंडीशन होती है सब्जेक्ट यूज़ करते हैं हम उसके बाद लिंकिंग वर्ब होती है जैसे इज एम आर ठीक है वर्ज और वर ये वर्ब्स होती हैं तो मिड पोजिशन कहाँ कहाँ पर होती है, तो है देखिए तो अगर हमारे पास पहली कंडीशन है तो मिड पोजिशन कहाँ होगी इस वर्ब से पहले यहाँ पर और अगर सेकंड कंडीशन होगी तो मिड पोजिशन कहाँ होगी इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब से पहले अगर ये थर्ड कंडीशन होगी सेंटेंस की मतलब थर्ड जो ये थर्ड वाला जो स्ट्रक्चर अगर होगा हमारे सेंटेंस का तो हमारी जो मिड पोजिशन कहाँ होगी ये होगी इस ये जो दो हेल्पिंग वर्ब है ना दो हेल्पिंग वर्ब के दो शब्द हैं इनके बीच में ठीक है यहाँ मतलब फर्स्ट वर्ड के बाद अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब के एक से ज़्यादा शब्द हैं तो फर्स्ट वर्ड के बाद जो है वो मिड पोजिशन होती है और अगर हमारे पास सब्जेक्ट और उसके बाद बी की कोई फॉर्म है ईजाम वाजबर तो इन इनके बाद जो है हमारी मिड पोजिशन कहलाती है ठीक है ऐसे में हम सब्जेक्ट के बाद ईजाम वाजवर यूज़ करते हैं और उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट uh, यूज़ करते हैं मतलब वो कॉम्प्लीमेंट या तो कोई नाउन हो सकता है या कोई एडजेक्टिव हो सकता है तो ऐसा स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं और ऐसे ये मिड पोजिशन्स होती हैं देखिए सेंटेंस की मिड पोजिशन के बारे में आपको पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि बहुत से ग्रामर के टॉपिक ऐसे आते हैं जिनमें मिड पोजिशन की ज़रूरत हमें पड़ती है जैसे हम एडवर्ब यूज़ करते हैं तो एडवर्ब बहुत सी एडवर्ब्स ऐसी होती हैं जो सेंटेंस के मिड पोजिशन पर यूज़ करते हैं ठीक है तो आपको मिड पोजिशन की अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए तो ईज़ का प्रयोग जब हम सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए करते हैं तो इसको वाक्य के मिड पोजिशन पर हम यूज़ करते हैं ठीक है जैसे यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा यू आर यू आर ईच राइट यू आर ईच राइट एक सेकेंड सेंटेंस मैंने लिखा वी ईच हेल्प्ड वी ईच हेल्प्ड हिम ठीक है थर्ड एग्जाम्पल लिखा मैंने दे इच have a different they each have a different opinion. Take okay? a fourth example is coming we each have different needs and interest needs and interest. ठीक है तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट के बाद ये हमारी लिंकिंग वर्ब है तो ईच यहाँ पे देखिए यू को रेफर कर रहा है ठीक है ईच यहाँ पर सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए यूज किया गया तो है तो देखिए इस लिंकिंग वर्ब के बाद यूज हुआ है तो ये हमारी मिड पोजिशन होती है जिसे हमने यहाँ पर देखी थी उसके बाद देखिए वी इच हेल्प डिम तो ये हमें देखिए सब्जेक्ट है ये हमारी मेन वर्ब है तो ईच यह को यहाँ पे सब्जेक्ट ये जो ईच है यहाँ सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए यूज किया गया है तो यहाँ पर देखिए ये वर्ग की सेकंड फॉर्म है अर्थात ये स्ट्रक्चर कहाँ पे है यहाँ पे देखिए ठीक है अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद सिर्फ एक सिंगल वर्ड वर्ब है तो हम उसके पहले इसको यूज़ करते हैं अगर ये सब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है तो यहाँ पर सब्जेक्ट को रेफर ही कर रहा है और यहाँ पर हमने वर्ब से पहले इसको यूज़ किया है नेक्स्ट सेंटेंस है दे ईच हैव ए डिफरेंट ओपिनियन तो यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारी मेन वर्ब हो गई ठीक है ये हमारी मेन वर्ब है तो देखिए यहाँ पर क्योंकि ये ईच सब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है तो यहाँ पर ये मेन वर्ब से पहले इसको हमने यहाँ यूज़ किया है नेक्स्ट देखिए वी ईच हैव डिफरेंट नीड्स एंड इंटरेस्ट तो ये सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर है ये भी ये वी को रेफर करने के लिए हमने यहाँ ईज का प्रयोग किया और ये हमारी मेन वर्ब है तो हैज हैव या हैड अगर मेन वर्ब के रूप में यूज़ की जाए तो इनको हम इस स्ट्रक्चर से मैच करते हैं इससे ठीक है तो इससे पहले ये जो मेन वर्ब है क्योंकि तो इससे पहले हम ईज का यूज़ करेंगे तो इस प्रकार ईज का प्रयोग जब हम सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए करते हैं तो इनको हम मिड पोजिशन पर यूज़ करते हैं आइए पढ़ते हैं एवरी के बारे में ठीक है एवरी के बारे में तो देखिए जैसे हमने पढ़ा था कि ईज के बाद हमने क्या पढ़ा था कि ईज के बाद हम अगर नाउन यूज करते हैं ये जो नाउन यूज करेंगे ये नाउन कैसा होगा सिंगुलर होगा और काउंटेबल होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का हम यूज करते हैं ईच के बाद और दूसरा क्या यूज़ नहीं करना है तो हमें प्लूरल यूज़ नहीं करना है और उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन यूज़ नहीं करना है ठीक है ये हमने अभी अभी पढ़ा है तो यहाँ पर भी यही बात लागू होती है कि एवरी के बाद जब आप नाउन यूज़ करेंगे एवरी के बाद हम नाउन यूज़ कर सकते हैं ठीक है जैसे हम ईज के बाद नाउन यूज़ कर सकते हैं तो एवरी के बाद भी हम नाउन यूज़ कर सकते हैं तो एवरी के बाद जो नाउन यूज़ करेंगे वो भी कैसा होगा सिंगुलर काउंटेबल होगा और वो भी प्लूरल या अनकाउंटेबल नहीं होगा ठीक है तो हम जैसे ईच स्टूडेंट कह सकते हैं और हम एवरी स्टूडेंट भी कह सकते हैं एवरी स्टूडेंट ठीक है ईच पेन भी कह सकते हैं और हम यहाँ पे एवरी पेन भी कह सकते हैं ठीक है और हम यहाँ पे ईच मिल्क uh, नहीं कह सकते तो हम यहाँ पे एवरी मिल्क भी नहीं कह सकते हैं ठीक है ठीके? तो ये यह यहाँ पे गलत है यहाँ पे ये यह भी गलत है आप ये यूज़ कर, यूज कर, यूज कर, यूज कर, यूज कर सकते हैं ये यूज़ कर सकते हैं ये यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो ईच और एवरी में एक कॉमन बात तो ये है कि ईच के बाद हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं तो एवरी के बाद भी हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ही यूज़ करते हैं दोनों के बाद हम मतलब दोनों में से किसी के साथ भी हम ना तो प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं ना अनकाउंटेबल नाउन का यूज करते हैं ठीक है तो ये चीज़ सबसे जरूरी चीज़ है जो आपके पता होनी चाहिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे जो ये एवरी के बाद हमने ऑफ़ लगाया था ठीक है ये जो हमने एवरी के बाद नहीं सॉरी ईच के बाद तो हमने पढ़ा था अभी कि हम ईच के बाद ऑफ लगा के और कोई नाउन या प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं ठीक है ये हमने अभी पढ़ा था लेकिन हम एवरी के बाद ऑफ लगा के और नाउन या प्रोनाउन यूज़ नहीं कर सकते हैं ये चीज़ भी आपको याद रखनी है ऐसा हम नहीं करते हैं ये हम कर सकते हैं ठीक है तो देखिए इस तरह हमारी एक बात समझ में आती है कि अगर हम ईज़ के बाद कोई नाउन यूज़ करते हैं ठीक है ईच के बाद अगर हम कोई नाउन यूज़ करते हैं तो ईच बन जाता है डिटर्मिनर डिटर्मिनर ठीक है लेकिन अगर हम ईच के बाद ऑफ यूज़ करके और कोई नाउन या प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो ये जो ईच है ये कहलाता है प्रोनाउन ठीक है लेकिन इसी तरह से अगर हम एवरी यूज़ करें एवरी तो एवरी के बाद अगर हम नाउन यूज़ करें तो नाउन तो यूज़ कर सकते हैं हम। तो ऐसे में जो एवरी है वो क्या कहलाएगा डिटर्मिनर ठीक है ये डिटर्मिनर कहलाएगा लेकिन हम एवरी के बाद ऑफ यूज़ करके नाउन या प्रोनाउन यूज़ नहीं कर सकते हैं ठीक है तो ऐसे में हम यहाँ पे ये जो है कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई जो ईच होता है वो डिटर्मिनर भी होता है वो प्रोनाउन भी होता है लेकिन एवरी सिर्फ डिटर्मिनल होता है प्रोनाउन नहीं होता है ठीक है तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे समझनी है कुल मिला के हमारे यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि अगर हम ईच का यूज़ करते हैं या एवरी का यूज़ करते हैं तो एवरी के बाद तो हम नाउन यूज़ कर सकते हैं और ईच के बाद हम नाउन भी यूज़ कर सकते हैं और प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम अगर ईच के बाद प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो फिर हम सीधा प्रोनाउन यूज़ नहीं कर सकते ठीक है सीधा हम इसके बाद जैसे हमने नाउन रख दिया इसके बाद तो ऐसे ही हम सीधा प्रोनाउन यूज़ नहीं कर सकते हैं ठीक है ऐसे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा इसके बाद पहले हमें ऑफ लिखना पड़ेगा फिर हम प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं ऐसा पॉसिबल है लेकिन एवरी के बाद तो हम प्रोनाउन यूज कर ही नहीं सकते हैं ठीक है यहाँ पर ये यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है जो ईच है जब हम ईच का प्रयोग करते हैं तो ईच एक्सप्रेस द आइडिया ईच एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ वन बाई वन ठीक है वन बाई वन तो अगर हम कोई बात कह रहे हैं और हमें वो प्रत्येक या हर एक के लिए कहनी है तो अगर वहाँ पे वन बाई वन का बोध हो रहा है हम ईच का यूज करते हैं वन बाय वन का बोध हो रहा है तो हम किसका यूज करेंगे ईच का लेकिन अगर ग्रुप में प्रत्येक व्यक्ति का बोध हो रहा है ग्रुप में एक साथ टुगेदर इन ए ग्रुप टुगेदर इन ए ग्रुप तो अगर हम ग्रुप में प्रत्येक व्यक्ति को एक साथ दिखा रहे हैं एक साथ अगर बोध हो रहा है सभी का तो हम एवरी यूज करते हैं ठीक है इसका हम दो एग्जाम्पल लेते हैं उसके द्वारा इसको आसानी से समझ सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा एवरी एवरी सोल्जर सेल्यूटेड द प्रेजिडेंट एवरी सोल्जर सेल्यूटेड द प्रेजिडेंट दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा ईच सोल्जर

एवरी यूज करेंगे एवरी सोल्जर ठीक है लेकिन अगर प्रेजिडेंट हैं वो सोल्जर्स को अगर अवार्ड दे रहे हैं तो प्रेजिडेंट सोल्जर्स को एक एक करके अवार्ड देंगे मतलब वन बाई वन तो यहाँ पे वन बाई वन का जो आइडिया है ना वो हमें यहाँ पे दिख रहा है वन बाई वन का बोध हो रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे हम ईच का प्रयोग करेंगे जैसे एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं ईच स्टूडेंट ईच स्टूडेंट got his नोटबुक checked बाय द टीचर प्रत्येक स्टूडेंट ने टीचर से अपनी नोटबुक चेक करवाई तो यहाँ पे जो टीचर है वो स्टूडेंट्स की नोटबुक कैसे चेक करेगा वन बाय वन करेगा ठीक है तो यहाँ पर भी वन बाय वन का बोध हो रहा है तो यहाँ पर देखिए ईद का प्रयोग हुआ है तो इस तरह अगर एक ग्रुप में सभी लोगों का एक साथ बोध हो रहा हो ठीक है तो वहां पर हम एवरी का यूज करते हैं लेकिन अगर वन बाई वन काम करने का बोध हो रहा है तो वहां पर हम ईच का प्रयोग करेंगे नेक्स्ट है एवरी कैनोट बी यूज एवरी कैनोट बी यूज फॉर टू थिंग्स एवरी कैनोट बी यूज फॉर टू थिंग्स मतलब एवरी का प्रयोग जो है हम दो चीजों के लिए नहीं कर सकते हैं ठीक है दो के लिए हम किसका यूज करते हैं ईच का यूज करते हैं जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखा ही वाज कैरिंग ही वाज कैरिंग ए शूटकेस ही वॉज कैरिंग ए शूटकेस इन एवरी हैंड इन एवरी हैंड अब देखिए वह है जो है सूटकेस ले ले जा रहा था अपने प्रत्येक हाथ में तो हाथ कितने होते हैं हाथ तो एक पर्सन के दो ही होते हैं और दो के लिए हम किसका यूज़ करते हैं ईज का यूज़ करते हैं एवरी का, का यूज़ तो करते नहीं है तो यहाँ पर जो एवरीज ना ये गलत है यहाँ पर क्या होना चाहिए था ईच हैंड नेक्स्ट है अगर हमें थिंग्स इन जनरल के बारे में बताना हो थिंग्स इन जनरल तो थिंग्स इन जनरल के लिए हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं ईच का यूज़ भी कर सकते हैं और एवरी का यूज़ भी कर सकते हैं जैसे ईच काउ हैज टेल ईच काउ हैज ए टेल प्रत्येक जो गाय होती है उसकी एक पूँछ होती है तो यहाँ पर ये यह हम जनरली बात कर रहे हैं मतलब एक जनरल सेंस में यहाँ पे इस काऊ का यूज हुआ है और काऊ से पहले हम ईच का प्रयोग कर सकते हैं तो यहाँ पे हम एवरी का यूज भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम काऊ का इन जनरल रेफर कर रहे हैं ठीक है तो हम यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं Every cow has a tail. प्रत्येक जो गाय होती है उसके पूँछ होती है तो हम यहाँ काऊ को जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं ठीक है हम किसी पर्टिकुलर काऊ की बात नहीं कर रहे हैं तो थिंग्स इन जनरल के बारे में बताने के लिए हम यहाँ पे ईज का प्रयोग भी कर सकते हैं और एवरी का प्रयोग भी कर सकते हैं नेक्स्ट है अगर हम ईज या एवरी का प्रयोग थिंग्स के लिए करते हैं या पर्सनस के लिए करते हैं और उन थिंग्स या पर्सनस की जो संख्या है थिंग्स या पर्सन की जो संख्या है वो डेफिनेट है डेफिनेट तो हम किसका यूज करते हैं तो हम ईज का यूज करते हैं तो है. लेकिन अगर ये संख्या इनडेफिनेट है इनडेफिनेट है तो हम एवरी का यूज करते हैं जैसे एग्जांपल देखिए देर आर ट्वेंटी स्टूडेंट्स देर आर ट्वेंटी स्टूडेंट्स इन आवर क्लास ठीक है आगे है स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट ब्लैंक स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट यहां पे देखिए स्टूडेंट्स की डेफिनेट जो है नंबर है ट्वेंटी स्टूडेंट्स बीस स्टूडेंट डेफिनेट संख्या है यहाँ पे तो यहां पे हम किसका यूज करेंगे ईच का ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट उसके बाद एक और एग्जाम्पल लिखा मैंने जैसे एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे आई वॉज अवे फॉर ए वीक आई वॉज अवे फॉर ए वीक एंड इट रेंड ब्लैंक डे तो यहाँ पे देखिए मैं पहले कह रहा हूं कि मैं बाहर गया हुआ था एक सप्ताह के लिए फॉर ए वीक तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं सेवन डेज होते हैं तो यहाँ पे डेफिनेट नंबर है तो डेफिनेट नंबर है तो यहाँ पे हम ईच का प्रयोग करेंगे ईच डे तो इस प्रकार से अगर थिंग्स या पर्सनस की जो आ, संख्या है वो डेफिनेट है तो हम ईच का प्रयोग करते हैं और अगर वो संख्या इनडेफिनेट है तो हम एवरी का प्रयोग करते हैं तो कैसा लगा वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना बोलें थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो हैप्पी लर्निंग बाय बाय